हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं बोटो स्मूद। बोटो स्मूद आपके फ्रीज को कंट्रोल कर देता है, आपके जो हेवी वॉल्यूम रहेगा उसको सेटल कर देगा, क्योंकि फ्रीजी होने के कारण वॉल्यूम भी ज़्यादा दिखता है। तो ये हमारी क्लाइंट है जिनके हेयर काफ़ी कर्ली है और उसके साथ साथ उनके जो हेयर है वो काफ़ी फ्रीजी भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू से जो भी वॉश है वो करके लेना है। अभी कितने वॉश आपको करने हैं, जैसे हम केराटीन में या एनी अदर प्रोटीन ट्रीटमेंट में वॉश करते हैं वैसे ही आपको करना है। 2 से 3 वॉश आपको लेने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको ज़्यादा रूट्स को रूट्स के ऊपर शैम्पू नहीं करना है, बिकॉज ऑफ अगर आप रूट के ऊपर शैम्पू करोगे तो रूट्स बहुत ड्राई हो जाते हैं। इसके लिए आपको जो भी शैम्पू है वो लेंथ जो है, जो हेयर्स है उसके ऊपर आपको ज़्यादा काम करना है, क्योंकि हमें वहाँ के जो क्यूटिकल है, हेयर के ऊपर के क्यूटिकल को ओपन अप करना होता है, जिससे कि प्रोडक्ट अंदर जाके हमें जो रिज़ल्ट चाहिए वो ईजी वे में मिल सके। आफ्टर द वॉश हम अच्छे से ब्लो ड्राई करेंगे। ब्लो ड्राई हमें 100% कर लेना है। हम बिल्कुल भी 70-80% भी उसको वेट नहीं रखेंगे। हम प्रॉपरली हेयर को ब्लो ड्राई कर लेंगे। आफ्टर ब्लो ड्राई हमें प्रॉपरली जो ट्रीटमेंट है वो लगा के लेना है। यहाँ पे ट्रेनर आए थे जो हमें ये प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे। सो ये ट्रीटमेंट का जो रिज़ल्ट है वो आप लास्ट में देख ही सकते हो, पर ट्रेनर काफ़ी अच्छे से उन्होंने समझाया है ट्रीटमेंट, एंड काफ़ी अच्छा भी ट्रीटमेंट है। सो वो अच्छे से आपको ये अप्लाई कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अच्छे से आपको प्रोडक्ट अप्लाई करना है और उसको इमल्सिफाइज करना है, जब तक आपको ये फील ना हो कि प्रोडक्ट जो है वो हेयर के अंदर पेनिट्रेट हो चुका है। सो 1 by 1 करके थिन थिन सेक्शन लेके हम ट्रीटमेंट अप्लाई करते जाएंगे। ट्रीटमेंट अप्लाई होने के बाद हम 45 मिनट्स वेटिंग टाइम होता है। 45 मिनट्स वेटिंग टाइम के बाद यहाँ पे जैसे वो बाउल में 100-200 ml पानी लिया है उन्होंने, और वो पानी वो हेयर के ऊपर डालेंगे, और ये पानी डालने के बाद जितना भी प्रोडक्ट रिमूव हो सकता है उतना प्रोडक्ट हम रिमूव कर लेंगे। आपको ज़्यादा प्रोडक्ट रिमूव नहीं करना है। हर कंपनी का अपना अलग थियोरी होता है, अपना अलग पैटर्न होता है, तो आपको सेम वैसे ही वो ट्रीटमेंट करने हैं। सो आप प्रॉपरली देख लो कि किस तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट रिमूव कर लिया है। प्रोडक्ट रिमूव होने के बाद हम अगेन सेक्शन बाय सेक्शन हेयर में से जो भी पानी है वो निकाल लेंगे और हम अगेन ब्लो ड्राई करेंगे। ब्लो ड्राई के टाइम पे हमें याद रखना है कि हमें मीडियम हीट में प्रॉपरली ब्लो ड्राई कर लेना है, ठीक है। तो हम अच्छे से ब्लो ड्राई करेंगे। यहाँ पे हम प्रॉपर ब्लो ड्राई कर रहे हैं। सेक्शन बाय सेक्शन हमें अच्छे से हेयर को ब्लो ड्राई करके स्ट्रेट कर लेना है, क्योंकि जितना आप प्रॉपर ब्लो ड्राई करोगे आपको आयनिंग में तकलीफ नहीं आएगी और आपके बाल उतने ही अच्छे से स्ट्रेट रहेंगे। सो यहाँ पे आयनिंग सेशन चल रहा है। आयनिंग भी आपको थिन थिन सेक्शन लेके ही करनी है, बिल्कुल भी आप घाई नहीं कर सकते, आप थिक सेक्शन नहीं ले सकते, थिन सेक्शन में ही आपको आयनिंग करनी है। आयनिंग के बाद 10 मिनट्स वेट करना है, और वेट करने के बाद आपको बालों के ऊपर से जो भी प्रोडक्ट था वो रिंस करके लेना है, एंड सेक्शन बाय सेक्शन यहाँ पे आपको जो मास्क है, हेयर मास्क, वो अप्लाई करना है। और यहाँ पे वो सेक्शन बाय सेक्शन अच्छे से बालों के ऊपर मास्क अप्लाई कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा मास्क है, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। सो मास्क लगा के 10 मिनट रुकना है एंड देन उसको रिंस कर लेना है, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। क्लाइंट के वॉल्यूम भी कम हो चुका है और उसके साथ साथ उनके जो कर्ल्स थे वो भी सेटल डाउन हो चुके हैं। सो या आई लाइक द ट्रीटमेंट। आई होप यू लाइक इट द वीडियो।